वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगे। हेयर फॉल की प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है, यंग एज हो, ओल्ड एज हो या फिर छोटे बच्चे हों। हेयर फॉल होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब ये नॉर्मल सी बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो थोड़ी सी टेंशन होने लगती है, क्योंकि थोड़े बहुत बाल निकलना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन गुच्छों में बाल आना हाथों में वो बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। इसलिए मैं आज आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को हेयर फॉल से तो बचाएगा, यानी कि आपके बालों का झड़ना तो रोकेगा ही, साथ ही साथ बालों को काला बनाएगा, बालों को चमकदार बनाएगा, दो मुँह बालों से बालों की ड्राइनेस को दूर करेगा, और साथ ही साथ अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो उन्हें भी दूर करने में हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं आप कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करें जिससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएं, आपके बालों की रीग्रोथ होने लगे और आपके बाल चमकदार बन जाएं। बालों का झड़ना, टूटना और गंजेपन की समस्या को दूर करने के लिए आज जो मैं बताने जा रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले आपके पास गुड़हल के फूल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये बालों को झड़ने से लेकर के डैंड्रफ तक की परेशानी को दूर करने में हेल्पफुल होता है। इसी तरह इसकी पत्तियां भी बालों में शाइन ऐड करती हैं। गुड़हल के फूलों से बालों के फॉलिकल्स मजबूत होते हैं और गंजेपन की जो समस्या होती है ना, वो भी दूर हो जाती है। बालों में नई ग्रोथ बढ़ाता है, बालों को कंडीशनर करता है और उसकी चमक भी बढ़ाता है। इसके बाद आपको आंवले का टुकड़ा लेना है, यानी सूखे आंवले का यूज़ करना है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। ये बालों को समय से पहले हो रहे सफ़ेद बालों को काला करने में हेल्पफुल होता है और इस नेचुरल कलर ऐड करता है, जो आपके बालों का रियल कलर है ना, वो ऐड करेगा। इसमें एंटी फंगल एंड एंटी वायरल गुण होते हैं जो डैंड्रफ और अन्य फंगल संक्रमण को दूर करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर मेथी दाने और करायल ले रही हूँ। यह बालों को काला करने में हेल्पफुल होता है। मेथी में पोटेशियम होता है जो बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और बालों को सॉफ्ट बनाता है। लास्ट में मैं यहाँ पर करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। करी पत्ते में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी एंड ई पाया जाता है, जो स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होता है और बालों को लंबे समय तक घना बनाए रखता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए। अब चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको कोकोनट ऑयल का यूज़ करना है। यहाँ पर मैं पैरासूट कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1/2 लीटर यानी कि 500 ml कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना हो आप उतना कोकोनट ऑयल ले सकती हैं। अब इस कोकोनट ऑयल को हम लोग लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। कोकोनट ऑयल को लो फ्लेम पर रख दिया है। आप ध्यान रखिएगा, एकदम धीमी आँच होनी चाहिए। बहुत तेज़ करेंगे तो ये ऑयल उड़ने लगेगा। यहाँ देखें, मैं 200 पर सबसे लो फ्लेम पर मैंने इसे गर्म होने के लिए, हीट करने के लिए रख दिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको गुड़हल के और गुड़हल की पत्तियों को अच्छे से क्रश कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसे क्रश कर लेते हैं। सारे फूलों को अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए और इसके पीछे की जो डंठल है ना, उसे काट दीजिएगा, यानी कि तोड़ देना है। डंठल को यूज़ नहीं करना है आपको। तो देखिए, मैं यहाँ पर कैंची के माध्यम से इसे काट दे रही हूँ और फिर इस सारी फूल की पत्तियों को अच्छे से कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी इसकी गुडनेस है डीपली ऑयल के अंदर तक अच्छे से जाने चाहिए, इसलिए आपको इसे कट कर लेना है। और इसी तरह से आपको पत्तियों को भी कट कर लेना है। हमने जो तेल गर्म होने के लिए रखा था वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले आंवले के टुकड़े को ऐड करेंगे। देखिए, जैसे डालिया वैसे ही इसमें से गुनगुनाहट यानी कि झंझनाहट शुरू हो गई। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद आपको करी पत्ते को ऐड करना है। थोड़ा सा ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि इसमें से चटक निकलता है, इससे आपके हाथ पैर में भी तेल का छींटा जा सकता है, इसलिए ध्यान से डालिएगा। इसके बाद जो हम लोगों ने गुड़हल और गुड़हल की पत्तियों को अच्छे से क्रश किया था उसे ऐड कर देना है। एंड लास्ट में
सारे इंग्रेडिएंट्स को जब आप ऐड कर लें उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद ही आपको इसमें मेथी दाना और करायल जो है वो ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं उसके सारे गुडनेस इस तेल के अंदर चली जाए, और इसे ऐसे ही आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए थे उसका कलर चेंज हो गया है, यानी कि जिस जो इसकी गुडनेस थी सारी वो उस ऑयल में चली गई है। अब आप इसे बंद करके ढक दें। हमने जो तेल बनाया था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब आपको इसे कांच की बरनी या कांच के जार में अच्छे से छान के रख लेना है। ये आपके बालों के गंजापन की समस्या को तो दूर करेगा ही, बालों का झड़ना रोकेगा, टूटना रोकेगा और नई ग्रोथ देगा, यानी आपके नए बाल जमने शुरू हो जाएंगे और टूटने भी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं ना तो ये उन्हें भी धीरे धीरे काला करने लगेगा। एक दिन में नहीं करेगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, आपको इसे रेगुलर बेस पे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है। छानने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं। आपने ये तो जान ही लिया कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए आज मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है। अब इसे यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में लगाना है, और कोशिश करें ओवरनाइट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप ओवरनाइट नहीं लगा पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपको ऑयलिंग करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आप जब शैम्पू करने वाले रहें उसके 2 घंटे पहले आपको इस तेल को बालों में लगाना है। और कोशिश करें कि जब आप तेल लगा लें तो गर्मियों में नहीं, जैसे कि विंटर आने वाला है कुछ समय के बाद, तो आपको गर्म टॉवल ले लेना है, यानी कि गर्म पानी में टॉवल को भिगा लीजिए और उससे स्टीम दीजिए। इससे क्या होगा कि इसकी जो गुडनेस है वो आपके हेयर के अंदर तक जाएगी, और जो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, उन्हें भी रिमूव करने में हेल्प करेगी। क्योंकि विंटर्स में सबसे ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, और जिसकी वजह से खुजली भी होने लगती है और बाल भी झड़ने लगते हैं। तो ये तेल आपके उन सारी समस्याओं को दूर करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा आपको ईचीनेस सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा यानी कि ड्राइनेस की पपड़ी वाली जो प्रॉब्लम होती है अगर वो भी है, तो आप इसमें नीम की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें करी पत्ता ऐड किया है, लेकिन प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हो तो आप इसमें नीम की पत्ती भी ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बालों में जुओं की भी समस्या नहीं होगी, और साथ ही साथ खुजली जलन की भी समस्या नहीं होगी। तो आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ऐसे ऐसे चंपी करके नहीं लगा लेना है, आपको स्कैल्प के अंदर तक लगा करके 5 से 10 मिनट मसाज करना है। आप ये मत सोचिएगा कि आप एक बार लगाएंगे और कल आपके बाल एकदम काले नागिन के जैसे घने लंबे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको 1 महीना इसे परमानेंट हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करना है, 10 मिनट तक की मसाज करनी है, वो भी बालों की जड़ों पे लगाना है, सिर्फ बाल में तेल अप्लाई नहीं करना है। जब तक आप बाल की जड़ों में तेल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपना असर नहीं दिखाएगा, और जो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है, वो ख़त्म नहीं होगी। और कोशिश करिएगा कि आप जब इसे अप्लाई करने वाले हों तो थोड़ा सा डबल यानी पानी में कटोरी रख करके उसमें डबल बॉयल कर लीजिए, यानी कि कटोरी में गर्म कर लीजिए तेल, और उसके बाद अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो आज मैंने बताया है आप उसे फॉलो करिए, आपके बालों से रिलेटेड जुड़ी समस्या सारी खत्म हो जाएंगी, और आपके बाल पहले जैसे चमकदार, रेशमी, लंबे, घने हो जाएंगे। सो वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको मेरा ये रेमेडी कैसा लगा, एंड मुझे मेरे आप Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्लीज़ सपोर्ट मी, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। बाय।